अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैं दोबारा से उर्दू में कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी उर्दू वीडियो की और आई डू बिलीव कि अ लॉट ऑफ माय फॉलोअर्स डू स्पीक उर्दू, इसलिए आई थिंक इट डज मेक सेंस। और आज की वीडियो है भी बहुत डिफरेंट। आज की वीडियो में मैं कोई मेकअप लुक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे रही हूँ, मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं मेकअप हॉल नहीं कर रही हूँ। आज की वीडियो मेरे बारे में है, तो अगर तो आपको नहीं जानना मेरे बारे में, आई थिंक आप अभी लॉग ऑफ कर दें, टर्न ऑफ कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ा सुनना चाहते हैं, या आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं जो आपको यू वांट देम आंसर्ड, तो आज की वीडियो में वो मैं आंसर करूंगी। मैंने अभी रिसेंट पे अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चनेयर डाला था फॉर नॉट अ क्वेश्चनेयर एक्चुअली yeah questionnaire dala tha for you guys some of you guys if they wanted to ask me some questions wo usme mujhe bhej sakte the aur mujhe kafi zyada questions aaye aur ek intro video ki mujhe waisi bahut zyada request aayi hai to I think it was high time ki main ye film karu aur I've been doing youtube for how long mujhe yaad bhi nahi, I think 2.5 saal ho gaye to maine aisi video pehle nahi banayi isliye मेरे पास ये मेरी बुक है जिसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं, पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैं बताऊंगी अपने बारे में। वीडियो मुझे बहुत अजीब लगी है बनाते हुए बिकॉज आई फील लाइक आई एम सच अ रेगुलर पर्सन। मेरे बारे में ज़्यादा जान के भी क्या होगा, और देर इज़ नथिंग मिस्टीरियस अबाउट मी जो आपको जानने में कोई क्या कह सकते हैं, या देर इज़ नथिंग मिस्टीरियस अबाउट मी, I'm like an open book you could say. तो yeah, I think मेरे ख्याल में questions की तरफ जाते हैं because ये तो चलता रहेगा। नहीं, मैं जरा सी conscious हो रही हूँ आज की video के बारे में, but yeah, let's just get into the questions. पहले मैं अपना intro करूँगी। मेरा नाम अफीफा आदिल है और मैं YouTube करती हूँ। मैं Instagram पे मेरा account है, Instagram पे मैं पोस्ट करती हूँ ट्यूटोरियल्स, मेकअप लुक्स, फैशन रिलेटेड पोस्ट। एंड देन आई ऑल्सो हैव अ ब्लॉग जो कि मैंने इतना ज़्यादा, आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन माई ब्लॉग, लेकिन मेरी वेबसाइट है। ऑल माई पेजेस जिनका मैं अभी जिक्र कर रही हूँ सब मेरे नाम से हैं, अफीफा आदिल। सो इंस्टाग्राम पे मैं afifa.adil हूँ, मैं यूट्यूब पे भी अफीफा आदिल हूँ, और मेरा ब्लॉग भी afifaadil.com है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स दे दूंगी। I'm a mother to two kids. मेरे एक बेटी है और एक बेटा है, 6 and 7 year old. और yes, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं। I was born in Pakistan in Karachi. जब मैं कराची में पैदा हुई, मेरे ऑलरेडी दो भाई बड़े थे, मुझसे बाद एक और मेरी बहन है, तो we are 4 siblings. उसके बाद फिर we moved to Islamabad. So I've mostly lived my life in Islamabad. मैंने अपनी schooling वहाँ से की, मैंने अपने college, मेरा university रावलपिंडी से की। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। नहीं, शादी से पहले मैंने और भी काम किए हैं। शादी से पहले मैंने job की है, मैंने banks में, two different really good banks में मैंने job की, और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैं फिर कनाडा मूव हुई। आई नो बहुत बहुत टिपिकल स्टोरी है, मेरा कोई इरादा नहीं था मूव आउट करने का पाकिस्तान से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रपोजल्स आते थे, बाहर से भी आते थे, पाकिस्तान में भी होते थे प्रपोजल्स, बट इट वॉज जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट गाय, एंड व्हेन आई फाउंड द राइट गाय एंड ही जस्ट हैपन टू लिव इन कैनेडा, तो फिर मैं यहाँ मूव हुई। यहाँ आके भी मैंने जॉब की, बहुत थोड़े अरसे की, लेकिन somehow इतना मैं एडजस्ट नहीं हो पाई नई जॉब में यहाँ पे। एंड देन लाइफ हैपेंड, आई हैड माई किड्स, एंड या सो फिर मैं अपना इस ब्लॉगिंग और यूट्यूब की तरफ आई। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की, या मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, या मैंने अपना इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट किया। सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक वेरी वेरी प्लान्ड, ऐसी चीज नहीं थी। मैं अक्सर यूट्यूबर्स को देखती थी, मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोज लोगों की देखती थी, और मैं
you know, useful tips milte the. Sometimes there were a few YouTubers, one or two from UK, jinko main follow karti thi, unke vlogs main dekhti thi. तो मुझे अच्छा लगता था सारा फॉलो करना वो करना बट आई नेवर इमेजिन्ड कि मैं कभी अपना चैनल यूट्यूब का खोलूंगी. इट वॉज समथिंग दैट आई थॉट इज नॉट लाइक इट द थॉट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड. लेकिन आई थिंक मैं जब बच्चे मेरे थोड़े से बड़े होने लगे और व्हेन दे वर आई थिंक 2-3 ईयर्स ओल्ड दे केम अ टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में थोड़ी emptiness feel honi lagi. Emptiness not in a sense ke like I'm Allah ka bahut shukar, I'm very blessed, I have a beautiful family and everything, I'm really happy. Lekin ek hota hai jaise aap jab kisi se mil rahe ho, kisi se baat kar rahe ho, aapko ek feeling aati hai ke you know you want to be someone who's doing something in their life, not just to show off ke aur logon ko bataye ke aap ye kar rahe hain ya aise kar rahe hain. It's more about ke aapko अपना इंट्रोडक्शन लूज होते हुए नजर आता है. लाइक मैं अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करी थी, इवन इस वीडियो के लिए जब मैंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ मदर, विच इज एक्चुअली ग्रेट, आई मीन नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्शन लूज कर रही हूँ और मुझे अपनी आइडेंटिटी मुझे लग रहा है जैसे बस एज अ मदर एज अ वाइफ बन गई है, लेकिन मुझे अपनी सोच या अपनी इंट्रोडक्शन मेरी नहीं रही, अपनी आइडेंटिटी नहीं रही. Is not my identity was not part of my introduction, and that really bothered me at one point. So I'm really blessed with a very good husband. Mere husband ne mujhe ek din main isi tarah baat kar rahi thi and I was talking about how amazing it would have been ke if I was able to just really put myself out there aur aisa kuch karun jisme main really logon ke sath share karun, connect karun. And मैंने literally I think जैसे आप एक हवा में एक बात करते हो और आप नहीं सोचते हो कि आप कोई बात भी कोई इतना important कर रहे हो. मैंने कहा कि oh what if I was a YouTuber, or at that point my husband was like why not. When he said why not, मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा wow like it's something that he could see me doing, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, like मैं अपने लिए ये बात क्यों नहीं सोच सकती हूँ. तो वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. लाइक उस टाइम पे मुझे लगा कि यू नो व्हाट दिस इज लाइक एकदम जैसे माइंड में एक बत्ती जलती है, मुझे एकदम से लगा कि यू नो दिस इज समथिंग आई नीड टू बी लुकिंग इनटू. उसके बाद आई थिंक विद इन अ मंथ मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी स्टार्ट किया. मैंने पहले अपना वेबसाइट खोली जिसपे मैंने एक दो पोस्ट भी डाली, व्हाट्स इन माई बैक सॉर्ट ऑफ ब्लॉग, एंड देन yeah there was something about my hair care, to maine us pe wo post dali. Zahir hai aap ye samajhte ho ki jab aapne youtube start karna hai ya aapne blogging start karni hai, aap ekdam se bahut famous ho jaoge ya aapke ekdam se bahut zyada website pe log aake dekhna shuru kar denge. Main lekin itni hopeful nahi thi because maine अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की. मैंने रिसर्च इस तरह की कि मैंने देखा, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जिनमें दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ दे स्टार्टेड ऑफ, और उसमें मुझे ये पता लगा कि अगर तो आप इस नियत से स्टार्ट करते हो अपना काम कि आपने मशहूर होना है या आपने पैसे बनाने हैं या आपने कुछ अचीव बहुत बड़ा फ़ौरन से कर लेना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. और अगर आप लेकिन इस सेंस में करोगे कि आपने शौक से करना है और आपने जस्ट समथिंग यू नो इफ़ यू स्टार्टेड ऑफ एज अ हॉबी, वो आपको ज़्यादा चीज़ फ़ायदा देती है और यू नो यू कैन देन टेक इट समवेयर. इसलिए टू बी ऑनेस्ट विद यू, अब तक मेरा काम जो है वो एज अ हॉबी ही रहा है, विच आई एम गोना गेट टू लेटर. बट जब मैंने ये सुना और जब मैंने ये रिसर्च की और मुझे रियलाइज हुआ, तो आई मीन आई वॉज फाइन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, आई न्यू इट्स नॉट गोना जस्ट हिट ऑफ राइट अवे. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया मैंने किसी को बताया नहीं. आई वॉज सो कॉन्शियस, मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी, मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ पे यू नो शर्मा रही थी या शायद थी कि मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल खोल रही हूँ. मैंने यूट्यूब चैनल के लिए, अच्छा मेरी एक आदत है, आई एम सॉर्ट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, आई ट्राई टू अचीव परफेक्शन, आई डोंट ऑलवेज अचीव इट बट आई ट्राई टू. तो उसमें मुझे ये था कि मेरा YouTube का इक्विपमेंट मुझे अच्छा होना चाहिए मेरे पास. आई वॉन्टेड अ गुड कैमरा, आई वॉन्टेड अ गुड रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्सेस, आई ऑल्सो वॉन्टेड माई प्रॉपर टेबल फर्नीचर एंड स्टफ. तो मैंने फ़ौरन से चीज़ें
ऑर्डर करनी शुरू कर दी. माई हस्बैंड हेल्प मी प्लेस ऑर्डर्स, गेट स्टफ फ्रॉम स्टेट्स. ये रिंग लाइट, दीवा रिंग लाइट विच इज लाइक रियली सपोज टू बी द बेस्ट वन आउट देयर, ये और बाकी चीज़ें सब मैंने स्टेट से मंगवाई. बहुत मैंने काफ़ी इक्विपमेंट पे मैंने इन्वेस्ट किया और सारा किया. और उसके बाद आई स्टार्टेड, एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट लेट एनीवन नो. लाइक आई वाज सो कॉन्शियस, मुझे था कि किसी को पता ना लगे कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ. Yeah, I mean, not that ki I don't think ke people would support me. They would support me, definitely, my friends and everyone. But ek, aap conscious hote ho, aapko nahi pata hota ke aapko kaise log lenge. So, and also it just seemed weird for me to sit in front of the camera and talk about things. Yeah, so I was really conscious. Meri family ko bhi, by the way, pata nahi tha. My family found out later through other means. But yeah, I'm gonna get into that detail some other time. But talking about my journey, so maine YouTube start kiya. Initially, when I started, I was very, very, very consistent. मैं मेरे ख्याल में वीक में दो या तीन वीडियोस तो ज़रूर अपलोड करती थी. एंड आई वाज गोइंग ऑन फेसबुक एंड प्रमोटिंग इट इन डिफरेंट प्लेसेस. एंड देन इवेंचुअली माय फ्रेंड्स, आई टोल्ड देम एंड दे फाउंड आउट एंड एवरीथिंग. सो आई मीन I've been consistent at the beginning of my YouTube journey, but eventually, phir, you know, I have kids. There were times jab aapka mood nahi ho raha hota. Also because you're not working for someone, you're working for your own self. Toh agar mood nahi ho raha ya aap aur busy hain bachon ke saath, toh you do get inconsistent. Or this is the reason why I couldn't take off my YouTube really high up. Like usme maine itna zyada. The first year I was very consistent, I was working very, very hard, lekin phir eventually I started slacking off. Aur uski wajah ye hai ki bachon ke saath main busy ho jati, family ke saath there were things here and there, I was prioritizing other things. I don't regret doing that, but I'm just sometimes I think maybe I should have been consistent. Taake yahan pe main apna ek jis cheez mein maine itna shauk se maine start kiya tha usko main rakhti. So yeah, that's how I started my YouTube. तो मैं YouTube कर रही हूँ. मैं Instagram came very later. Instagram मैं इसलिए start किया कि मुझे बहुत Instagram पर सुनने में आ रहा होता था. And मेरे पास account था Instagram का, मैंने कभी use नहीं किया था. When I started my Instagram, like posting on Instagram, मुझे realize हुआ कि Instagram is so much easier to post on. आपको एक मिनट की video है और editing doesn't take too long. आप makeup करो, अगर आप YouTube के लिए edit कर रहे हो, takes forever. You're not gonna post a 1 minute video. On Instagram it's so much easier. Like things are so much easier. तो मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा active हो गई. And because of that, मेरा YouTube फिर मैंने उसको ज़रा back burner पे रख दिया. तो ये मेरी total story है YouTube, Instagram और मेरे blog की तो literally I'm not proud of it, but अच्छा मेरे ख्याल में मैंने बहुत बातें कर ली अपने यूट्यूब ब्लॉगिंग के बारे में. और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस रिसीव हुए थे जिन पे मैंने जिनका आंसर देना है. द वन क्वेश्चन दैट आई गॉट द मोस्ट वाज माय हेयर कलर. और मैं ऑनेस्टली मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे हेयर कलर के बारे में आते हैं. और इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर. लाइक द आंसर दैट आई वुड गिव टू दिस क्वेश्चन वुड बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर, बिकॉज like I know the answer to it, लेकिन मेरे पास numbers नहीं है, shared numbers नहीं है, मेरे पास brand names नहीं है. तो usually this is what I do with my hair. मेरे बाल जो हैं आपको एक video में एक तरह के लग रहे होंगे और कुछ अरसे बाद आप देखोगे तो मेरे बाल different लगेंगे. और उसकी वजह यह है कि मेरा shade ऊपर नीचे होता रहता है. I don't know अगर आप लोगों को नज़र नहीं आता. basically मैं करती ये हूँ, मैं जब किसी भी salon पर जाती हूँ, I do change up my salons quite often. sometimes I'm not happy with the ones I'm going to, or फिर eventually मुझे change करना पड़ता है. मैं अपने बालों का shade, पहले तो मेरे dark brown कह सकते हैं बाल हैं, more like black, but मैं उनको light brown shade देती हूँ. पहले उनसे कहती हूँ कि just मेरे बालों का color light कर दें, medium to light brown कर दें. मेरे बालों को जब फुल ओवरऑल लाइट ब्राउन या मीडियम ब्राउन करते हैं तो उसके बाद आई आस्क फॉर हाइलाइट्स, आई आस्क फॉर एश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स. और उसका होता यह है कि बिकॉज आई गेट हाइलाइट्स फ्रीक्वेंटली, वो हाइलाइट्स मेरे बालों में बहुत अच्छी तरह ब्लेंड इन हो जाते हैं. तो इस वक्त अगर आप देखें ऐसा लग रहा है जैसे ओवरऑल एक ब्लॉन्ड शेड है, बट लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हाइलाइट्स एंड देन बट देयर वेरी वेल ब्लेंडेड. तो आपको पता बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहाँ है हाइलाइट्स, बट देयर ऑल ओवर माई हेयर. तो
यस मैं शेड नंबर नहीं पूछती हूँ अपने सलोन पे, मैं उनसे ये नहीं कहती हूँ कि मुझे यू नो इस ब्रांड का हेयर कलर चाहिए. एवरी सलोन, एवरी हेयर ड्रेसर यूजेस देयर ओन शेड्स, देयर ओन हेयर कलर, बट दिस इज व्हाट आई आस्क फॉर. उसके बाद मैं जब घर आती हूँ तो मैं अपने बालों की लेकिन मेंटेनेंस, जो शेड की स्पेशली मेंटेनेंस है, वो मैं करती हूँ. और उसके लिए मैं एक पर्पल शैम्पू यूज करती हूँ. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी द वन आई एम यूजिंग. मैं अमेजोन से ऑर्डर कराती हूँ फेनोला का. इट्स अ पर्पल शैम्पू. पर्पल शैम्पू करता ये है कि अगर आपने जिस तरह बालों को ब्लॉन्ड किया हुआ है, स्पेशली इफ यू हैव लाइक डार्क हेयर और उसको आपने ब्लॉन्ड किया है, तो विद टाइम और टाइम और अ फ्यू वॉशेज आपको अपने बाल समटाइम्स दे लुक ब्रासी, थोड़ा सा ऑरेंज सी लुक आनी शुरू हो जाती है बालों में. Or I don't like that look. I don't like my hair looking orange. So I use the purple shampoo. Wo basically aapke baalon ko tone karta hai aur baalon mein more baalon ko aur silver tone deta hai instead of orange. To usse mere baal like fresh rehte hain aur kafi acche blonde rehte hain. To yeah, that's about it. That's all I do. Aur main conditioner use karti hu. Fenola ka hi conditioner use karti hu. तो आई मीन दैट्स व्हाट आई डू विद माय हेयर. और लेकिन मुझे ये क्वेश्चन, मुझे पता है और भी बहुत ये क्वेश्चन आएगा, मुझे हर वक्त लोग ये पूछते हैं और मैं जवाब भी देती हूँ बाज़ दफ़ा मैं ओपनली इंस्टाग्राम पे भी बोल देती हूँ, बट आई स्टिल गेट दैट क्वेश्चन. आई डोंट माइंड आंसरिंग इट अगेन एंड अगेन, बट इट्स जस्ट दैट आई होप व्हेन आई डू आप लोगों को समझ आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ. तो या इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस, डाइंग माई हेयर brown and then going with blonde highlights. That's basically what I get done by my hairdresser. To ye mere baalon ka ho gaya. Aur bhi bahut questions aaye hain and I'm trying to get to all of them. If I miss any questions, let me know. Main kisi aur video mein unko address kar dungi. Ek aur jo mujhse question bahut zyada pucha jata hai weight loss ke bare mein. I don't know if you've seen my pictures or the last year, the year before, aur usme agar aap नोट कर रहे हो या ना कर रहे हो, मेरा वेट फ्लक्चुएट बहुत करता है. समटाइम्स आई गो अप अ फ्यू पाउंड्स, समटाइम्स आई गो डाउन अ फ्यू पाउंड्स. या इट्स ऑलवेज बिन अ स्ट्रगल विद मी, लाइक माई वेट गेन एंड वेट लॉस. एंड द स्ट्रगल इज देयर बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस. वेट लूज करना इज नो इट्स नॉट एज डिफिकल्ट. मुझे लगता है वेट लॉस आसान है, बट टू मेंटेन दैट वेट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ यू नो परसिस्टेंस. तो होता ये है कि when I'm stressed, when I'm you know with kids, आपकी रूटीन है, आप लगे हुए हो as a mother, you get tired. I do stress eat a lot then, and that's something that does cause my weight to go up. मैं वेट लॉस कैसे करती हूँ, sometimes मेरा अनइंटेंशनली भी हो जाता है, लेकिन मेरा अपना फिलॉसफी वेट लॉस का ये है कि number one thing is your food control, portion control, और yeah, and then comes exercise. Lekin mere khayal mein it's so important, especially with weight loss. I feel like if I don't cut down on my carbs, agar main apna roti na khatam karu khana, ya main rice ko na eliminate karu apne khane se, mera weight lose nahi hota. To the moment I stop taking sugar or rice, mera weight khud se kam hona shuru ho jata hai. Usme mujhe phir zyada mehnat nahi karni padti. Protein, high protein and vegetables, good amount of vegetables, fruits is what I go for when I'm trying to lose weight. So that's what I do when I do lose weight, but it's all not always the case. I try my best, but that's my weight loss thing. If you want me to talk about weight loss in more detail, do let me know. Mujhe comment mein niche likhte, main kisi video mein weight loss ke bare mein detail mein baat karungi. Yes, so मैंने hair color को address कर दिया, मैंने weight loss को address कर दिया. I had these noted down, the questions, so I'm just trying to get to that. My favorite food, this is interesting, because I love food, और लेकिन मेरे food, favorite foods में भी मेरे mood change होता रहता है. Sometimes I like certain things and I get into a mode where I'm like eating them every single day. जब तक उस चीज से मेरा दिल नहीं भर जाता, मैं वो खाती रहती हूँ. एक चीज जिससे मेरा कभी दिल नहीं भरता, वो चाट पापड़ी है. मैं बहुत ज्यादा चटखोरी हूँ, मुझे चाट पापड़ी बहुत बहुत पसंद है. मैं आई ड्राइव एन आवर टू मिसिसागा टू गेट मी सम गुड चाट पापड़ी. अगर मुझे वहां जाना पड़े तो मुझे मैं इतनी चटखोरी हूँ. तो मुझे चाट पापड़ी बहुत पसंद है.
मुझे सूफी के चप्पल कबाब बहुत पसंद है. सूफी के चप्पल कबाब इन इस्लामाबाद, दोज आर माई मोस्ट फेवरेट. मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान तो मैं ढेर सारा मंगवाती हूँ और मैं खाती हूँ, लाइक मैं बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. और भी आई थिंक वहाँ पे हैं स्टोर्स लेकिन जो चप्पल कबाब करते हैं, लेकिन मेरी बचपन की मेमोरीज भी हैं सूफी कबाब की और मुझे सूफी का टेस्ट पसंद है क्योंकि बहुत चटपटा होता है. तो यस, दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट. या अच्छा, स्वीट में, स्वीट में मुझे क्या पसंद है? स्वीट में मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, मुझे रेड वेलवेट चीज केक भी बहुत पसंद है. स्वीट मुझे बहुत पसंद है एंड आई मीन इट डिपेंड्स, समटाइम्स आई लाइक मोर फ्रूटी फ्लेवर्स में केक्स में या यू नो अदर इन अदर थिंग्स, समटाइम्स आई गो फॉर मोर फ्रूटी. तो चेंज भी होता रहता है मेरा, बट आई लव न्यूटेला, आई लव पीनट बटर. सो यस, नाउ यू नो हाउ आई गेन माई वेट. सो दैट्स दैट. अब मैं चप्पल कबाब की बात कर रही थी तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दिस अदर क्वेश्चन. समवन वाज आस्किंग मी आर यू पठान. यस आई एम अ पठान, आई एम अ यूसुफ़ज़ई पठान. और माय हस्बैंड इज नॉट अ पठान, ही इज अ पंजाबी. माय किड्स आर, यू कैन से मिक्स्ड, बट माय किड्स डोंट नो पश्तो और पंजाबी और उर्दू. दे अंडरस्टैंड, दे डोंट स्पीक बट दे डू अंडरस्टैंड इट. So yeah, that's it. I am a Pathan, which brings me to another question. Do I come to Pakistan? Do I visit Pakistan? Pakistan is where I was born. Pakistan is where I grew up. That's my home country. I would like to think like that. Although, I mean, now it feels like Canada is my home now. I still have, you know, कहते हैं आपका दिल दोनों जगह पे है. मेरा वो वाली सिचुएशन है कि मेरा दिल पाकिस्तान में भी है, मेरा दिल यहाँ भी है. तो काफी it's not an easy spot to be in because आपका दिल वहां का भी करता है, आपका दिल यहाँ का भी करता है. But that's how life is. पाकिस्तान में आती हूँ मैं, लेकिन अभी काफी अरसा हो गया मेरा विजिट नहीं हुआ. It's been 5 years. It seems really weird saying that because 5 saal bahut bada time hota hai apne mulk se dur rehne mein. Uski ek wajah ye hai ki meri family yahan kareeb mein rehti hai ab, to mujhe usme itna zyada zarurat nahi feel hoti jaane ki bhi, because I get to see my family here every day or every other day. They live quite close to me. Ek aur wajah ye hai ki bacche jab aapke ho jate hain to ट्रैवल करना इज़ नॉट एज ईजी. मेरा जो लास्ट ट्रिप था पाकिस्तान का, इट वॉज़ नॉट वेरी ईजी. मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए थे, दे वर वेरी स्मॉल, दे वर 1.5 एंड 2.5 ईयर्स ओल्ड. और वहाँ पे मुझे मेरा ज़्यादा टाइम जब जो गुजरा था वो मेरा बच्चों के साथ हॉस्पिटल में गुजरा था. फूड पॉइजनिंग, फीवर एंड ऑल दोज थिंग्स, दे केप्ट हैपनिंग. आई मीन वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हर चीज़ क्लीन रखें, हर चीज़ वो रखें, पानी भी सब कुछ. लेकिन आई थिंक इट्स द चेंज इन देयर इन्वायरमेंट दैट कॉजेज इट. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से जाके वहाँ पे लोग बीमार, आई एम श्योर वहाँ से यहाँ के लोग भी बीमार होते होंगे. इट्स जस्ट द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एंड एवरी थिंग विच, इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज. सो मेरे बच्चों को सूट इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था, तो वो मैं उस विजिट से इतना ज़्यादा डर गई कि फिर बहुत जल्दी में मैंने प्लान नहीं किया दोबारा जाने का. मगर अभी मेरा काफ़ी दिल कर रहा है एंड आई एम होपिंग कि होपफुली नेक्स्ट ईयर आई कैन कम एंड यू नो जस्ट स्पेंड सम टाइम देयर, बिकॉज याद बहुत ज़्यादा आती है मुझे अपनी सिटी की, अपनी उस सब जगहों की जहाँ पे आई वॉज रेज्ड, I grew up. So yeah, hoping to come back soon. Someone was asking me about my nature. Mujhe actually baz dafa is tarah ka message aa jata hai ki you look very, you seem arrogant ya kuch. Main apne bare mein, mera ye hai jo mujhe log batate hain ya jo logon ki perception hoti hai when they look at me first time ya मुझसे पहली बार मिलने की मिलते हैं या फर्स्ट टाइम में अगर वो देखते हैं मुझे, उनको लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट और अनअप्रोचेबल लगती हूँ आई गेस, विच इज़ सो नॉट मी. इट्स सो ऑपोजिट टू हाउ आई एम इन रियलिटी.
मेरा मेरी नेचर में एरोगेंस लाइक जीरो है, बिल्कुल नहीं है. और I feel like there's nothing to be arrogant about, you know. And even if you have something to be arrogant about, I don't think you should be. Kindness is so much more prettier than anything else. Meri nature bahut soft hai. I know main apne muh se ye baat kar rahi hu, aisa lag raha hoga jaise main brag kar rahi hu, tareef kar rahi hu apni, magar baat ye hai ki meri nature main dil ki bahut kamzor hu. Ye keh sakte hain mera dil bahut narm hai. मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रसीव करती हूँ. अगर मेरी सराउंडिंग में कोई सैड इवेंट हो या मेरी इवन अगर न्यूज़ में मैं कोई सैड इवेंट सुनती हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हूँ. मुझे वो चीज़ काफ़ी दिन तक मुझे बॉदर करती रहती है. समटाइम्स इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन फॉर मी. कभी यू नो न्यूज़ में, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द सेम थिंग, अगर आपको न्यूज़ में कोई ऐसी बहुत सैड इवेंट हो या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सैडनेस नज़र आए तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ले लेते हैं दिल पे. तो मेरे साथ ये बहुत होता है. इस वजह से मैंने थोड़ा सा रिसेंट में न्यूज़ सुनना कम कर दी है. मैंने थोड़ा सा मैं अब कभी ऐसे इवेंट होता है मैं इंटेंशनली कट ऑफ करती हूँ उस न्यूज़ को, उस चीज़ को, और आई ट्राई नॉट टू लिसन टू इट. I know it feel hota hai jaise main selfish ho rahi hu, but it's important for me in order for me to function, to be a good mother to my kids and be present in my own life and reality and you know perform my responsibilities, duties with responsibility. I have to do that, otherwise mujhe cheeze bahut zyada affect karti hain. To jab meri nature ki baat hai, meri nature mein logon ko hurt karna nahi hai. Main logon ko hurt sad karna like that's something I don't do. मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती. अगर unintentionally हो जाए तो that's not something I don't do it intentionally. अगर unintentionally होता है तो I'm sorry about it, but मैं जानते बूझते हुए किसी को hurt नहीं कर सकती, ना मैं करती हूँ. मेरा कभी ये इरादा नहीं होता. So that's my nature. मैं बहुत सिंपल हूँ, इतनी मुझ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ. आई एम वेरी सिंपल एंड या दैट्स मी, जस्ट नॉर्मल पर्सन. देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट माय हस्बैंड, सो या लेट मी जस्ट आंसर इट. आई डोंट नो, इट्स माय चैनल, आई डोंट नीड टू आंसर हिज एनीथिंग अबाउट हिम, बट आई मीन इफ यू आर आस्किंग मी, यस माय हस्बैंड इज एन आईटी, ही इज एन आईटी गाय एंड he is not very active on social media at all. He hardly uses social media. He's just not into it. Unko itna zyada shauk nahi hai. He doesn't post anything, even if on Facebook he doesn't post much. So I'm a complete opposite of him. I am always on social media, and this is why you won't see too much of him on my social media either, because I don't think he's too comfortable with it either. That's not something, although he's in IT, but IT and social media I guess are different. He's just not into it. So that's that. And yes, about my marriage, maine Instagram pe bilke ek highlight bhi rakha hai jisme maine baat ki hai how I met my husband. So well, it was a very very typical marriage. It was an arranged marriage, arranged by our relatives. Meri unki families, they knew each other, and that's how we were introduced to each other. Or chat mangni phat bya wala hisab tha, or yeah, to kafi jaldi shaadi hui thi, and it was an arranged marriage. So I'm happy with it. I'm Allah ka bahut shukr hai, he's a very good person, and yeah, that's that. I think I've answered a lot of questions. मुझसे कुछ actually miss भी हुए हैं. मुझे काफ़ी list और आ रही थी, and you know when you post the stories, they stay for like 24 hours. तो उसके बाद वो delete हो गए मुझसे कुछ questions. So if I've missed any question, do let me know. मैं ये भी नहीं चाह रही कि वीडियो बहुत लंबी हो एंड आप बोर हो मेरी शक्ल देख के, मेरी बातें सुन के, मेरी आवाज़ सुन के. तो I can address more questions in another video.
Also, let me know if you want to see a vlog from me. I know I was asked to do a morning routine or something like that, and also a house tour. House tour ke liye mujhe bahut taiyari karni padegi, bahut safai karni padegi. Saaf hota hai ghar, lekin you know with kids things get messy. So house tour ke liye mujhe bahut zyada prep karna padega. I can maybe start with a morning routine aur uske baad phir aur vlogs wagera. If you have any requests, do send me. To main wo kar sakti hun phir. So yeah, so that's it. Thank you for watching, and leave me a comment. Let me know how you like this video. Or aapko main zyada baatein ab meri sunne ka shauk hai ya kam sunne ka shauk hai. Do hit the like button if you like this video. Also, if you are not subscribed to my channel yet, subscribe zarur kare. Or because main aur bhi videos karungi aur main chah rahi hu ki thoda sa informal videos karun. Thank you so much for watching, and hoping to see you in my next video. Take care. Bye.